stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been on... जितना आसान लिक्विड आईलाइनर लगाना होता है उतना आसान लैक्मे का पेंसिल आईलाइनर नहीं होता। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक चलें। दो तरह का आईलाइनर मैं दिखाऊंगी आपको। एक ये है जो बिल्कुल पतली फॉर्म में है। अगर आप इसे उठा के ऐसे उठा के इसके पॉइंट एरिया से आईलाइनर करते हो ना तो पतला सा एक लाइन क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप इसे दबा देते हो, अब ध्यान से देखो मैं बार बार दिखा रही हूँ, अगर आप इसे थोड़ा सा भी नीचे डाउन करके अगर आप चलाते हो तो बहुत ही मोटा और भद्दा सा आईलाइनर क्रिएट होता है। तो आईलाइनर करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। छोटी छोटी टिप्स और हैक्स बहुत मैटर करता है अगर आप आईलाइनर कर रहे हो तो। पहला मैंने दिखाया, अब मैं दिखाऊंगी सेकेंड वाली। ये भी लैक्मे की आइकॉनिक ही पेंसिल आईलाइनर है और प्राइस इवन सेम है दोनों का। ये थोड़ा सा कटक्रीज जैसा है तो ये काफ़ी उसके अकॉर्डिंग मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप ये वाला लें, क्योंकि इसमें एक कट क्रीज बना हुआ है जो आपके जो विंग होता है ना उसको अच्छा से उभारता है। तो अगर इसे भी आप ऐसे डाउन फ्लैट करके चलाओगे ना, तो जैसे कि मैं आपको देखो, मैं एक पतला सा पॉइंट से ऊपर करके चलाना है, मतलब इसके जो इसका जो मुंह साइड होता है ना पॉइंट साइड, उस पे धीरे से चलाना है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी दबा के अपने आईलिड पे प्रेस करते हो ना तो एक बहुत मोटी सी लाइन क्रिएट होती है, जिससे आपका आईलाइनर तो भद्दा दिखता ही दिखता है, प्लस आपका पूरा मेकअप भद्दा हो जाता है। तो आईलाइनर पूरे फेस के मेकअप को सबसे ज़्यादा इन्हेंस करता है, आपके लुक को सबसे ज़्यादा परफेक्ट दिखाता है। तो कभी भी यहाँ मैंने दो लैक्मे की आइकॉनिक पेंसिल आईलाइनर दिखाया आपको, दोनों को चलाना काफ़ी इजी है, क्योंकि इसमें ना जब आप इसे स्मज करते हो ना तो स्मज प्रूफ होता है। अगर आपने इसे ट्राई किया तो ये स्मज प्रूफ हो जाएगा और बहुत लॉन्ग तक स्टे कर जाती है, तो हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। आप एक आई बेस क्रिएट करके उस पर आईलाइनर करते हो तो फिर सारा बेस उतर जाएगा, इसलिए आईलाइनर हमेशा सावधानी से लगाना होता है। दोनों का पॉइंट मैं दिखा रही हूँ आपको, जो पतली वाली पॉइंट है पेन जैसी उसे आप इग्नोर करें, या जो कटक्रीज वाली है ये ज़्यादा सही है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी है, बिगनर्स हैं तो आपको समझ में आ गई होगी कि छोटा सा हैक्स और टिप्स काफ़ी मैटर करता है। मेक श्योर वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के टाइम पर पहले और सब